ऑफ प्रोजेक्टाइल लिख लो। चेंज इन मोमेंटम अलोंग द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो यू कैन राइट एज कॉन्स्टेंट फोर्स, एज कॉन्स्टेंट फोर्स एक्स, एज कॉन्स्टेंट फोर्स एक्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। दो वे में मैं कर सकता हूं, एक तो मैं कंपोनेंट्स बना सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है जो बॉडी इधर पहुंचेगी तो फिर इसके दो कंपोनेंट्स, तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम इज वी कैन से डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, और डेल्टा पी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो, फाइनल कितनी है, माइनस इनिशियल, ये देखो समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये रिजल्ट, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा? यस सर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यू कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू माइनस एम यू साइन थीटा इंटू जे कैप। एक तो ये मेथड होता है करने का, एक अगर आपको थोड़ी सी फिजिक्स पुरानी याद है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, मैं नॉर्मल नाइन्थ वाला फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, कुछ नया नहीं पूछ रहा। न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या था? F is equal to ma। A क्या होता है? एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी ऐसे लिख सकते हैं ना? एम वी माइनस एम यू क्या हो गया? फोर्स इंटू टाइम, और ये चेंज इन मोमेंटम है तो डेल्टा पी इज एफ इंटू टी। प्रोजेक्टाइल में फोर्स कौन सी लग रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स कौन सी लग रही है? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल ग्रेविटी, एमजी सर्कुलर पाथ थोड़ी है, और एमजी की डायरेक्शन कौन सी है? माइनस वाई एक्स। टाइम कितना लगा पूरे पाथ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा बाय जी, तो जी कैंसिल हो गया एंड चेंज इन मोमेंटम इज टू एम यू साइन थीटा इनटू जे कैप। ऐसे भी कर सकते थे,
आंसर सेम ही आ रहा है। आप चाहे तो एम वी माइनस एम यू वी और यू की वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आप न्यूटन लॉ से कर लो, एफ इजिकल्स टू एम ए और एफ इंटू टी इज चेंज इन मोमेंटम, एफ इंटू टी इज चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है दोनों मेथड? Next is horizontal projectile. हम horizontal projectile किसको बोलते हैं? पहले हमने ओब्लीक किया था, जहां पे हमने बॉडी को ग्राउंड से फेंका था एट सम एंगल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि हम बॉडी को किसी हाइट से थ्रो करेंगे और हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, तो ऐसे मूव करेगी। हमने इसमें जो कैलकुलेशन करनी है, वी हैव टू फाइंड कि कितनी दूर आके गिरी बॉडी। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे थ्रो किया था, कैपिटल टी पे नीचे पहुंची, तो टाइम कितना लगा इसको नीचे पहुंचने में? कोई एक पॉइंट लिया पी, यहां तक आने में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, हमें वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है क्या होगा। जब इधर पहुंची तो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या होगी, कि ग्राउंड पे पहुंची तो वेलोसिटी क्या थी, और बीच में किसी भी पॉइंट पे After time t, ये velocity कितनी होगी? सही, इसको मैं कह देता हूँ this is vf, final velocity. तो at any point velocity क्या होगी? तो हमने ये calculations करनी है, because projectile है तो projectile की basic definition नहीं बदलती कि किसी भी body को initial velocity दी और फिर वो gravity के effect में move कर रही है, तो that is gravitational projectile. हमने कहा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में कि जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज ओनली ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी एक्ट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कांस्टेंट रहेंगे, वो यहाँ पे भी होल्ड करेगा, बिकॉज फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी है तो वो हर जगह पे u ही होगी। अगर मैं आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछूंगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो वो यहाँ पे भी u ही होगी, वो इधर भी u ही होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स, कहीं पे भी पूछ लें, इट विल बी u, बिकॉज इट विल नॉट चेंज। जो भी चेंज आएगा वो वर्टिकल वेलोसिटी में आएगा। इनिशियली अगर मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी ये वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिनको यूज करके हमने इसकी डेरिवेशंस करनी है। अगेन ये जो कितनी दूर जाके गिरेगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज, ऊपर से नीचे आने का टाइम दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड एक्स और वाई में जो रिलेशन निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
सो डायग्राम बना लो फिर इसको लिखते हैं. ओब्लीक ज्यादा इम्पोर्टेंट है बट ये भी आ सकता है. नॉर्मली ओब्लीक ही आता है एग्जाम में, पर हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक्स में, तो इसके भी रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम देन वी विल राइट अबाउट इट. So you can write horizontal projectile. Body which is thrown from some height. In horizontal direction, body which is thrown from some height in horizontal direction body which is thrown from some height in horizontal direction and then allowed to move under and then allowed to move under the effect of gravity. Then allowed to move under the effect of gravity. It's called horizontal projectile as the only force which acts on the body as the only force which acts on the body is in vertical direction. Therefore in horizontal direction, the velocity and momentum always remain constant. Therefore, in horizontal direction, velocity and momentum always remain constant. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. कंसिडर अ बॉडी विच इज थ्रोन फ्रॉम हाइट एज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Consider a body which is thrown from height h in horizontal direction with velocity u. As body is thrown horizontally, its initial vertical velocity is zero. As body is thrown horizontally, its initial vertical velocity is zero. Its initial vertical velocity is zero.
First you write horizontal range. Horizontal range. It is the horizontal displacement of the body. It is horizontal displacement of the body as it moves from point of projection to the ground. As it moves from point of projection to the ground. As it moves from point of projection to the ground. तो अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो आपको उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी चाहिए होगा कि ऊपर से नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो टाइम निकालने के लिए कौन सी डायरेक्शन लें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल। सो यू कैन राइट नेक्स्ट लाइन में लिख लो ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज, ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज time for which the projectile remains in air, time for which the projectile remains in air, or time taken to move from highest point to the ground. Time taken to move from highest point to the ground. तो पहले vertical direction consider करो. वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। जीरो। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन कितनी? जी। जी। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में? एच। बिकॉज एच हो गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आर हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट using u zero and you get t is equals to under root 2 h by g. So, नीचे पहुंचने का टाइम आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 एच बाय जी. अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर करूं फॉर मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू, एक्सेलरेशन जीरो, जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल तो एच थी, हॉरिजॉन्टल कितनी होगी? आर। आर।
आर। टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे आने में जो भी हमने पीछे ड्राइव किया? रूट टू एच वाई जी। तो यूजिंग ए जीरो है तो ये टर्म तो जीरो हो गई। एस की वैल्यू आर सो रेंज इज यू अंडर रूट टू एच वाई जी। नेक्स्ट हमने निकालना होता है वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। इसमें पहले लिख लो यहां तक नोट कर लिया वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड में सबसे पहले लिखो एज द बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एज द बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी therefore horizontal velocity will not change and on the ground also horizontal velocity is u। sir effect of gravity ke baad kya bola aapne? mai ko aise nahi yaad kya likha hai wo batao isse pehle। कौन सा सेंटेंस है उसको मैं पूरा कर देता हूँ। As the body is moving under the effect of gravity. Body is moving under the effect of gravity. Horizontal velocity will be u on hitting the ground. Horizontal velocity will be u on hitting the ground. For vertical direction. For vertical direction. इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, एक्सेलरेशन थी जी। नीचे पहुंचने का टाइम कितना था? अंडर रूट टू एच बाय जी। बाय जी। तो अगर मैं इक्वेशन यूज करूं यूजिंग B is equal to U plus AT. तो वर्टिकल वेलोसिटी आ गई रूट टू जी एच। मतलब ये वेलोसिटी आ रही है, ये तो U ही है, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है रूट टू जी एच। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू, वर्टिकल में रूट टू जी एच, तो टोटल कितनी हो जाएगी? अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग पता चल गई तो टोटल वेलोसिटी। वेक्टर्स हम कैसे करते थे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस दो वेलोसिटीज हैं vx और vy, तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड।
this will be V is equals to horizontal direction में u है तो u square plus vy square तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो ये वेलोसिटी होगी इसमें कई बार आपको पूछेंगे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कितनी होगी ग्राउंड में नहीं बीच में कहीं पे भी पूछ ली आफ्टर टाइम टी थ्रू आउट द पाथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है U. Vertical velocity after time t बतानी है तो we say vy is equals to vector sign se rehne bhi do uy plus initial vertical velocity zero hai acceleration g hai so vertical velocity is gt so total velocity kitni hogi fir velocity after time t horizontal direction kaun sa vector i cap j cap k cap i cap aur ye gt kis direction mein hai minus j cap very good so this is the velocity after time t iska magnitude kitna hoga अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड आफ्टर टाइम टी यहां तक देखो समझ आ रहा है फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करते हैं यहां तक अगर ये सारी समझ आ गई डेरिवेशंस को So you can next read equation of trajectory. Equation of trajectory. It is the relation between distance traveled by projectile in horizontal and vertical direction.
It is the relation between distance traveled by projectile in horizontal and vertical direction. In horizontal and vertical direction. As shown in the figure. As shown in the figure, the body moves from point of projection to point P. It travels horizontal distance x and vertical distance y in downward direction and vertical distance y in downward direction. Consider horizontal direction. Pehle horizontal direction lo. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू u एक्सेलरेशन ax इज इक्वल टू 0 And displacement s is equal to and displacement s is equal to x to x or t mein relation kya bana using s is equal to ut plus rvt square relation kya banega Then consider vertical direction. Y is equals to u to 0 है t की वैल्यू डाल दो t is x by u And y is in downward direction. So there's a question of trajectory. Y is equal to gx square by 2u square. Y is equal to gx square upon 2u square. So you can write numerical equation. A body is projected.
from top of the tower 100 meter high. A body is projected from top of the tower 100 meter high with initial velocity. With initial velocity (50 meters per second) in horizontal direction. Find horizontal range, time of flight, and velocity on hitting the ground. Horizontal range, time of flight, and velocity on hitting the ground. जी को 10 लेके सॉल्व कर देना चाहिए. यू गिवन है और एच गिवन है. हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड. सो तीनों के फॉर्मूला भी ड्राइव किए हैं. करो सॉल्व और आंसर बताओ. A body is thrown horizontally from top of the tower and strikes the ground. In 3 seconds, at an angle of 45 degrees to the horizontal. At an angle of 45 degree to the horizontal. Find height of the tower and initial speed. Find height of the tower and initial speed. Time of flight दिया तो वहां से height तो वहां से निकाल लो. बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h/g. तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट दिया 3 सेकेंड, वहां से h निकाल लो पहले. कितना? 450 meters. नहीं, गलत लग रहा है. 450 meters 3 seconds में नहीं कवर करेगी बॉडी. सर 45 ठीक हो सकता है. हाँ सर, विद अंडर रूट जी था. सॉरी. सेकंड पार्ट करो. इनिशियल वेलोसिटी15.
नहीं 15 नहीं आ रहा, सब कुछ ही गलत है। मैंने ये यहाँ से थ्रो किया। ये जो फाइनल वेलोसिटी है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अगर इनिशियल वेलोसिटी यू थी तो ये तो यू ही होगी। अब नॉर्मल अगर हम देखें, अगर ये वी है तो वी एक्स इज एंड वी वाई इज अगर एंगल 45 है, मतलब वी एक्स और वी वाई इक्वल है बिकॉज वी कॉस 45 और वी साइन 45, तो हमने वी एक्स निकालना है। तो वी एक्स निकालने का मेथड नहीं है, वी वाई निकाल सकते हैं। अगर मैं बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। यू वाई जीरो। एक्सेलरेशन कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में? जी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे आने में? 3 सेकंड्स। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर एंगल 45 का है तो वी वाई और वी एक्स इक्वल है, मतलब वी एक्स भी यही है 30। फाइनल एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री इंप्लाइज एंगल तभी होता है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल हो, बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है v cos थीटा, वर्टिकल v sin थीटा। तो अगर थीटा 45 है तो vx और vy इक्वल हो जाएंगे। तो हमने vy निकाल लिया, जो vy आया वही vx होगा। आया समझ सेकंड पार्ट कैसे की है? कि हमने वर्टिकल वेलोसिटी निकाली और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वही हॉरिजॉन्टल भी होगी। सर हां जी सर, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a की वैल्यू 0 पुट की एंड s इज इक्वल टू ut आ गया। तो मैंने s की वैल्यू 45 पुट की एंड t की वैल्यू 3। s की वैल्यू 45 क्यों पुट की? s तो 45 दिया नहीं है। बट हमने h निकाला ना, तो h 45 आया था। स्ट्रेट लाइन थोड़ी है ये, कर्व पाथ है, ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है, पैराबोलिक पाथ है वो। तो हमें एस नहीं पता। इसी केस में अगर दिया होता कि फाइनल वेलोसिटी का एंगल 30 है तो फिर क्या करते? अगर फाइनल वेलोसिटी का एंगल 30 डिग्री होता, बिकॉज हर बार ये तो इतना आसान नहीं आएगा ना कि 45 दे दें। मान लो उन्होंने कहा फाइनल वेलोसिटी का जो एंगल है वो 30 है, तो vx कितना हो जाएगा? और ये u है एंड दिस इज, तो vy बाय vx क्या होगा? tan।
तो vy हमने निकाल लिया तो vx कितना हो जाएगा vy by tan 30 तो फिर vx ऐसे निकलेगा अब यहाँ पे 45 था तो vy by tan 45 tan 45 1 होता है तो vx vy इक्वल हो गए बट अदरवाइज जनरल रिलेशन आप ये कह सकते हो कि vx is equals to vy by tan theta where theta is the final angle तो यहाँ पे थीटा 45 है इसलिए वी वाई वी एक्स इक्वल है हमेशा इक्वल नहीं होंगे जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर फाइनल एंगल थीटा है तो टैन थीटा इज वी वाई ओवर वी एक्स वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की रेशियो टैन थीटा होगी समझ में आया कैसे किया इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं ऊपर से नीचे आने में मोमेंटम कितना चेंज हुआ बॉडी जब यहां से इधर तक आई तो मोमेंटम कितना चेंज किया चेंज इन मोमेंटम न्यूटन लॉ में क्या था फोर्स इनटू टाइम फोर्स कौन सी लग रही है एमजी और टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे आने में तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू रूट टू जी एच तो ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि पेपर में वो कुछ भी पूछ रहे कैन फाइंड अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या कोई भी प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जो भी चेंज आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बॉडी कहीं पे भी जाए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही रहनी है तो अगर ये बेसिक्स थोड़े से दिमाग में रखोगे तो न्यूमेरिकल आसान है स्कूल के लिए चल जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स होते हैं कॉम्पिटिशन में कभी भी इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं बिकॉज वो हमेशा मिक्स करके देंगे मतलब वो हमेशा देंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है बिल्डिंग के ऊपर से फेंकी है मतलब हमने किया कि एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका एक हमने किया कि बिल्डिंग के ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंका वो कहेंगे बिल्डिंग के ऊपर से एट एन एंगल फेंका तो चेंज कुछ नहीं आता सिर्फ कंसेप्ट तो वही रहता है सिर्फ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो जीरो ले रहे थे फिर यू साइन थीटा लेके सॉल्व करना होता सो कल उस तरह के एक दो क्वेश्चन करा दूंगा कि अगर हाइट से किसी एंगल पर थ्रो करें तो कैसे करना थैंक यू सर